आई हैव नो टाइम टू थिंक कि मैंने शर्ट कौन सी पहनी है मैंने पेंट कौन सी पहनी है मैंने सूट कौन सा पहना है टाई कौन सी है तो मेरे लिए ईजी है कि मैं अपना टी शर्ट और जीन्स पहनूँ सर अगर बंदा ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता तो देखिए नो गेम इज़ ओवर गेम किसी बंदे से आप बिजनेस करेंगे किसी बंदे से आप आगे चलेंगे आप कहेंगे यार समझ नहीं आ रहा बंदा ये ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता तो मैंने इसके साथ कुछ नहीं करना तो एक सी लेवल का बंदा उसकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए चल उसमें सर सबसे पहले तो मैं उन्हें यह बताता हूँ कि दुनिया में नाइन्टी जो सी हैं वो एक ही मोल्ड में बने हुए हैं एक ही तरह के ऑलमोस्ट ड्रेसिंग करते हैं फाइव परसेंट ऐसे हैं डांस ऑन देयर ऑन ट्यून नया वो मेरा माखने का बन जो सूटर गुजर था हम लोग इवेंट पे गए हैं तो उन्होंने समझा कि वो सीओ है मैं जो वो एक स्पोर्ट्स राफ हूँ तो मुझे कहने के आप पीछे बैठते हैं उसको आगे ला कर उठाते जी मेरा नाम कासिम अलीशा है मेरे साथ मेरे बड़े महबूब प्यारे उस्ताद मेरे मनटोर हामिद सईद साहब मौजूद हैं आप सबको मैं इस वीडियो में एक, एक चैलेंज आपके सामने रखता हूँ यानी मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस 2018 से पहले की देखें और 2018 की बाद के देखें तो आपको एक बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा और वो डिफरेंस जो है वो मेरे ड्रेस में डिफरेंस होगा मेरा ये मानना है कि जिस तरह ज़िंदगी में सब्जेक्ट के उस्ताद होते हैं जो हमें स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इसी तरह ज़िंदगी के हर शुबे का कोई उस्ताद होता है और ड्रेसिंग पावर लुक इमेज कंसल्टेंसी जो कि पाकिस्तान में बड़ी नहीं है उसके अगर मैं कहूँ फाउंडर तो वह हामिद सईद साहब हैं मैं इनसे बड़ा मुतासर हूँ मेरे मौसिन है। क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी वैल्यू ऐड की जिस एडिशन के बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल गई मुझे पता लगा कि जो मेरा मिशन है जो मेरा काम है उसमें ड्रेस की कितनी अहमियत है हम हालांकि बड़ी दुनिया जब हमारे प्रोग्राम्स इस तरह के मौजूद पे देखती है तो वो कहते हैं जी फेसबुक का मालिक जो है वो क्या पहन के जाता है या फिर बिल गेट्स ने क्या पहना होता है उसको भी आई एड्रेस करेंगे कि वो ऐसा क्यों पहनते हैं और असल जो बात डिस्कशन करने वाली कि हमें ये सिखाया नहीं जाता हमें पढ़ाया नहीं जाता कि हमने अच्छा लिबास पहनना है कैसे पहनना है किस लिबास से हमारी शख्सियत उठेगी किस लिबास से हमारा मैसेज स्ट्रॉग होगा किस लिबास से हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा सर का कमाल ये है मुझे वो ज़माना याद आता है पुराना ज़माना आज से पाँच छः साल पहले का तो सिविल सर्विस अकेडमी फोटी सिक्स कॉमन को मैंने भी पढ़ाया सर सिविल सर्विस अकेडमी तब से पढ़ा रहे हैं और कई ऐसे वेंचर्स हैं जहाँ पर मैं सर को देखता हूँ कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सर को देखता हूँ और सर की इस तकामत को मैं ऐसे करके सलूट करता हूँ कि जो जज्बा सर का है सर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस सारी नेशन की इमेज को कि इनके पास ड्रेस की सेंस हो और सर कितने सिविल सर्विसेज के जुडिशरी के बेशुमार बेशुमारदारों में भी पढ़ा रहे हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने की बड़ी आपकी मेहरबानी आपने वक्त निकाला और मेरे पास सर आपकी मोहब्बत का और खुलूस का बहुत बहुत शक्रिया सर मैं जानना चाहूँगा कि एक शख्स जो अपने इमेज को बेहतर करना चाहता है अपनी लुक को बेहतर करना चाहता है या वो चाहता है कि लिबास के, के ज़रिए वो एक बड़ा बदलाव ऐसा बदलाव जिसको लोग कबूल भी कर सकें वो ऐसा ना हो कि लोग वो बदला और वो जोकर बन गया है, से है।, से है ऐसा बदलाव जिससे कोई मनफी इंप्रेशन जा रहा है वो सबसे पहले वो क्या करे फीडबैक किससे ले अगर वो जानना चाहता है कि वो जो उसने लिबास पहनना है उसके पास कोई कोच नहीं है ट्रेनर नहीं है ख़ुद से जानना चाहता है वो कैसे जाने कि ये जो लिबास है उसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ठीक है इसमें चंद चीज़ें हैं शाह साहब के आदमी को कैसे अपने आप को जज करना चाहिए पहली बात तो ये किसी से मत पूछें ठीक है अगर आप अपनी वाइफ से पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो हमेशा कहेगी आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और हो सकता है कि आपकी टाई यहाँ तक पहुँची हो आई मीन यू नो शी प्रॉज ए नॉइट इसी तरह किसी दोस्त वगैरह से पूछें ना पूछें सिर्फ आप पूछें मिरर से मिरर के सामने खड़े हों और चार पांच चीज़ें जो आपने ड्रेस में देखी क्या है वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पहली बात है कि आप कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो गेम इज तो ओवर जो भी आपने पहना हुआ है क्या उसमें आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे अच्छा शायद जी मैंने बहुत रिसर्च किया कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस दो चीज़ों से आता है एक है ग्रिप ऑन योर नॉलेज जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है जैसे आपके पास माशाल्लाह है और दूसरा यह है कि हाउ यू प्रजेंट यूर साफ़ इन दो चीज़ों के अलावा मुझे थर्ड चीज़ आज तक नहीं मिली तो जो ही आप अच्छे लगते हैं यानी आप लगते हैं कि होता है ना कि बाय डिज़ाइन या बाय डिफ़ॉल्ट एक दिन तो आप अच्छे लगते ही हैं यानी कोई इवेंट आ गया ये को हो गया मूड में आ गए तो जब मिरर में देखते हैं आप कहते हैं यू नो आई लाइक माय साफ़ जो फिर से कॉन्फिडेंस ये होता है कि कॉन्फिडेंस शूट थ्रू द रूफ उस कॉन्फिडेंस जो है ना यू कैन काउंकर द वर्ल्ड विद तो एक ये कॉन्फिडेंट लगते हैं कि नहीं लगते दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप, आप में अथॉरिटी लगती है कि नहीं लगती है आप लगते हैं कि यार आप कुछ सब्सटेंशियल बंदे हैं अगर अथॉरिटी नहीं लगती फिर लाभ बात है कि हु लिसन टू यू हायर यू डू बिजनेस विद यू ये दूसरी बात है तीसरी सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप ट्रस्ट वर्दी क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते सर अगर बंदा ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता तो देखिए नो गेम इज ओवर अगेंग किसी बंदे से आप बिजनेस करेंगे किसी बंदे से आप आगे चलेंगे आप कहेंगे यार समझ नहीं आ रहा बंदा ये ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता तो मैंने इसके साथ कुछ नहीं करना इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं लेकिन चार पाँच छः चीज़ें मैंने आपको मैंशन की हैं अच्छा अब ये सारी आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी ड्रेसिंग के साथ दैट्स द मैजिक लाजमी बात है आप अपने किसी मीटिंग में जाके भी नहीं कह सकते कि मैं आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन आई एम ट्रस्ट वर्दी एंड क्रेडिबल एंड यू नो रिफाइंड पॉलिश सोफिस्टिकेटेड ना आप साइन बोर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम आपके पास वो है कि आप अपनी पर्सनल प्रजेंटेशन से आप ये कैसे ट्रांसलेट करते हैं तो ये सारे जितने भी मैसेज हैं आपने अपने ड्रेस के साथ अपने और के साथ अपनी पर्सनैलिटी के साथ पूरा पैकेज है आपको अल्लाह ने दिया हुआ है उसके साथ आपने ये सारे कम्युनिकेट करने हैं तो उसको फिर ड्रेसिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके ऊपर बात हो सकती है सर अच्छा सर अब एक बड़ा अहम सवाल जो तनकीद की शक्ल में पूछा जाता है सवाल कम होता है तनकीद होती है इतने इतने बड़े लोग तो नहीं परवाह करते उसमें फ़ेसबुक के मालिक की बात की जाती है बिल गेट्स की बात ये की ये। जाती है इवन लोकल कहीं दानश्वरों की बात की जाती है कि अगर आप बड़े इंसान बन गए हैं इनको तो कोई परवाह नहीं होती है जैसा लिबास चाहें ये पहन लें तो हम ये जो मैं भी खुद बिलीवर हूँ क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ तो मैं तो ये मानता हूँ कि लिबास बड़ा ज़रूरी है और लिबास से शख्सियत पर बड़ा असर पड़ता है तो आप बताइए कि ये कन्फ्यूजन क्यों है देखिए मार्क जुकरबर्ग की बात कर लेते हैं मार्क जुकरबर्ग मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा पीछा करता है इन अदर वर्ड्स हर जगह पे क्वेश्चन ये होता है कि जी मार्क जुकरबर्ग आप अमेरिका से आए हैं बड़ी प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं शूटिंग वूटिंग की बात कर रहे हैं और देखें आपके मुल्क का लैफ से यू नो इट वॉज लिविंग देर तो यू एस ए में तो एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी है और वो टी शर्ट एंड जीन्स पहनता है तो सर उसको थोड़ा सा उसको ड्रिल करते हैं उसको डायसेकट करते हैं अच्छा अब ये है कि क्या हकीकत है कि वो टी शर्ट और जीन पहनता है हकीकत है टी शर्ट और जीन पहनता है अच्छा इससे पहले कि हम कैसे करें कि वो क्यों पहनता है उससे पूछते हैं वो कहते हैं ना हॉर्सेज माउस से हाँ। तो जब उससे पूछा गया कि तुम ड्रेसिंग ऐसी क्यों करते हो टी शर्ट और जीन तो उसने हाँ। उसका जवाब ये दिया कि आई एम सो एक्साइटेड टू गेट टू वर्क आई हैव नो टाइम टू थिंक कि मैंने शर्ट कौन सी पहनी है मैंने पेंट कौन सी पहनी है मैंने सूट कौन सा पहना है टाई कौन सी है तो मेरे लिए ईजी है कि मैं अपना टी शर्ट और जीन्स पहनूँ और वो भी सेम ऑलमोस्ट सेम तो यू नो आई जस्ट वांट टू गेट टू वर्क अच्छा अब अगर हम उसका जवाब सुने तो इट मेक सेंस हाँ यार एक बंदा काम है उसको कहता है यार मेरा काम ही नहीं इंटरेस्टिंग लेकिन क्या वो इस चीज़ पे रियली बिलीव करता है आंसर इज नो जी नहीं। 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 उसका सबूत सबसे बड़ा यह है कि जब डेटा ब्रीच हुआ आपको पता है कि डेटा फेसबुक का डेटा बहुत बड़ा था मिलियंस ट्रिलियंस में था एंड दे वर नॉट सपोज टू इट एंड इट अच्छा अब क्या हुआ कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट में है वो क्या है वो है उनकी कांग्रेस और सेनेट की है ठीक है अच्छा सर वहां बुलाया गया इसे इसे इसलिए बुलाया गया कि हेलो हाई कहने के लिए हाँ तो उस दिन उसमें क्या पहना हुआ था तब टी शर्ट नहीं थी तब टी शर्ट और जी हालांकि वो उस दिन क्यों नहीं उसने टाइम सेव किया उस दिन शायद ये अगर हम उसकी पिक्चर देखें तो उस दिन उसने इम्पैकेबल सूट पहना हुआ था सूट ऐसा था कैसा ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ था उसका शर्ट का टाई का कॉम्बिनेशन वाइट शर्ट उसने पहनी थी वाइट शर्ट ट्रस्ट मी वाइट शर्ट मीन क्रेडिबिलिटी वाइट शर्ट मीन सोफिसिकेटेड जितनी बातें हुई थी कॉन्फिडेंट लगता सारा वाइट शर्ट थी और बेहतरीन जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे जी क्यू मैगजी शायद सुना हुआ आपने स्टाइल मैगजीन है बाइबल समझी जाती है वो उसका कवर बॉय लग रहा था अच्छा क्वेश्चन ये है कि उस दिन जो है उसने सारा टाइम कैसे निकाला वही बंदा है जो कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्तर बढ़ गया है इज नॉट ए फूल वो सिचुएशनल ड्रेस में बिलीव करता है वो एक यू नो जस्ट एक आउटफिट पर बिलीव नहीं करता अच्छा हैड ये मैं क्योंकि यूएसए में आपको पता है मैं काफी देर रहा हूँ तो आई नो द पॉलिटिक्स दॉन टी शर्ट इन जीन ऑन डेट है मैरिट द केस बट प्रॉबीली दिस मैन हैज नो रिस्पेक्ट फॉर आस क्योंकि आप आपनेटर कांग्रेस में जाए अगर uh -huh. आप तो अगर आप यू नो यू नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस वर्ल्ड तो कहने का मतलब ये है कि वही बंदा अच्छा दूसरा उसका इंसिडेंट मैं सुना देता हूँ mm -hmm. आपको पता है कि फेसबुक जो था वो इट वॉज बैंड फॉर ऑफ ईयर्स अलाउड नहीं था चाइना में तो वो कह रहा था कि इतने बिलियन लोग जो हैं उस पर फेसबुक नहीं जा रही तो फाइनली गार्ड ए मीटिंग विद चाइनीज प्रेजिडेंट और उस दिन उस अगर आप देखें गूगल करके उस दिन मी यू वॉज वेयरिंग इम्पैकेबल सूट शर्ट एंड सो आंसर इज दिस कि आप जो है सिचुएशन और ड्रेसिंग बिलीव करें इस पर बिलीव ना करें आ, कि आपने सिर्फ टी शर्ट जी विल, विल डू इट फॉर यू और आखिरी बात मैं ये कहूँगा जो लोग कहते हैं कि जी मैं मार्क्स वो को फॉलो करूँगा तो फिर मार्क जो बन के तो दिखाएँ वाह वाह ज़बरदस्त सर सर एक बड़ी अहम बातचीत का हिस्सा हमारा ये है कि आप के साथ मिलने के बाद आपसे काउंसलिंग कोचिंग लेने के बाद मैंने एक बड़ा बदलाव देखा बड़ी दुनिया ऐसी है जो आपको फॉलो करती है अब तो माशाल्लाह आपको खुद जो आपकी सोशल मीडिया के वीडियोस हैं मिलियंस में देखी जाती हैं आप फौरी तौर पे जब भी किसी को देखते हैं और वो जादू की छड़ी जो आपके पास है जिसे छूते हैं और उसके बाद उसकी इमेज में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है आप क्या देखते हैं उसकी क्या बॉडी टाइप देखते हैं उस उसकी उसके फेस को देखते हैं उसकी बॉडी को देखते हैं आपको कैसे पता लगता है कि इसको कैसा लिबास पहनना चाहिए तो शायद सबसे पहले मैं ये देखता हूँ बंदा करता क्या है देखिए ना आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर जो आपको ना तो कहीं ब्लड टेस्ट लेके आओ ना तो कहीं एक्सरे लेके आओ ना तो वो आपके जितने यूरिन टेस्ट हुए ऑल दो टेस्ट करवाए और, और मतलब एक डायग्नोज करने में उससे जो हेल्प मिलती है वो चीज़ें ना करें तो एकदम से प्रिस्क्रिप्शन लिखनी शुरू कर दे तो डॉक्टर शाह जी वो कौन बिलीव ही करेगा इसमें बिल्कुल तो मैं भी वो एक कंसल्टन फिजिशियन है मैं क्रोदिंग का डॉक्टर हूँ तो सबसे पहले तो मैं उसके साथ एक्सटेंडेड कानवर्जेशन अबाउट हाफ एन आवर फोटी मिनट्स कि भाई आप अपने बारे में बताइए अच्छा वो कहाँ से शुरू करता है सबसे पहले कहता हैं एजुकेशन के बारे में बताइए अच्छा सर वो कहता है जी मैंने एम किया हुआ मैं कहा अच्छी बड़ी वेरी गुड तो मैंने कहा तो कहाँ से एम किया हुआ अब उसने थकी यूनिवर्सिटी से एम किया है या उसने लम से किया है नर्स से किया है सर। तो ये उसके बारे में बहुत कुछ बताता हाँ। है फिर दूसरा एक अच्छा जी अपने टाइटल के बारे में बताए वो टाइटल बताया जाए मैं जी डायरेक्टर हूँ अच्छा आप डायरेक्टर फ़ौरी तौर पे अच्छा सर किन चीज़ किन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि वो किससे इंटरेक्ट करता होगा कंपनी का नाम जब पता चल जाएगा तो आपको पता है कि ये मल्टी है ये नेशनल कंपनी है तो उसके बाद लास्ट मेरा क्वेश्चन होता है कि आपकी अपनी विजन कहाँ पे है कहाँ जा रहे हैं अगले दो साल में पाँच साल में ये वो मेरा डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसके बगैर सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता सही इससे मुझे पता चलता है कि ये किन लोगों से इंटरेक्ट करता है किन लोगों को इसने इंप्रेस करना है इसने क्या मैसेजेस देने हैं फॉर एग्जाम्पल सी लेवल के बंदे की बात कर लें जैसे आप सी लेवल के ऑबियसली रन बिजनेस इज वाल तो एक सी लेवल का बंदा उसकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए चलो उसमें सर सबसे पहले तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि दुनिया में 95 परसेंट जो सी हैं वो एक ही मोल्ड में बने हुए हैं एक ही तरह के ऑलमोस्ट ड्रेसिंग करते हैं फाइव ऐसे हैं दे डैस ऑन देर ओन ट्यून मसला रिचर्ड बर्नसन देख लीजिए इस तरह के लोग हैं जो हवाइन शर्ट पहन के आ जाते हैं और ऑल दैट यू you नो know, डिफरेंट किस्म के आउटफिट पहन पहन के आ जाते हैं लेकिन नाइनटी फाइव परसेंट जो कि मेन स्ट्रीम है अच्छा सर वो मेन स्ट्रीम में मैंने हाई वर्क विद काफ़ी सी यू तो आपको पता है कि मैं यू एस ए में फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनी के साथ काम किया है तो काफ़ी इनसाइट डिवेलप हुई है अच्छा इनमें सर दो चीज़ें तो बड़ी कॉमन है वो ये है कि इनका फोकस सिर्फ ये है कि हाउ टू ग्रो द बिजनेस एंड हाउ टू बिल्ड द टीम आप एग्री करेंगे सर कोई सर, तीसरा फोकस नहीं बात अच्छा उसके बाद इनकी लुक कैसी है वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इनके इमेज जो कैसे है जब मुझे मेरा सी लेवल का बंदा मेरे पास सामने आता है तो फिर मैं उसको ये पिक्चर देता हूँ ये सी लेवल के लोग जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे लुक हाईली हाईली सक्सेसफुल आप मुझे बताइए शाह जी आप इतने सी से मिलते हैं जो सी आता है कि वो सी नहीं लगता तो क्या सर वो कोई मैं, मैं, interaction मैं, हो, मैं कोल्ड हो जाता हूँ <laughs> <हो जाता> <laughs> तो पहली बात तो ये और इसमें यह कि कामयाब मैं सिर्फ ये नहीं कहा कि कामयाब बल्कि हाईली सक्सेसफुल हाईली मैंने इसलिए यूज किया सर जो मैटर के बी -ए करता है फिर करता है उसको जॉब मिल जाती है वो सक्सेसफुल है अपनी अपनी जो टर्म्स लेकिन ये जो है अच्छा दूसरी बात है लुक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट जैसे माशाला आप लगते हैं तो देर लुक एक्सट्रीमली काम्फर्ट दस नंबर टू नंबर थ्री ये इनतहाई रिफाइंड एंड पॉलिश लगते हैं ये कोई सर ऐसी चीप किस्म की चीज़ नहीं पहनेंगे चीप था कलर नहीं पहनेंगे तो ये भी उनकी में खूबी है और लास्ट बात ये है देर लुक अकॉम्पलिश एंड रॉइड एंड सोफिस्टिकेटेड अच्छा ये चीज़ें मैं उन्हें बताता हूँ उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा ये सारी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप में कैसे आ सकती हैं तो ये है टॉप टीयर में जो मैसेज चलते हैं और उसके बाद लास्ट सेकंड टीयर मैसेज जो मैंने ऑलरेडी बता दिए उसको ट्रस्टवर्दी लगना है उसको क्रेडिबल लगना है एक सी ई एस में सर अथॉरिटी नहीं लगती वो ऐसे लगता है जैसे क्लर्क बादशाह है कंपनी का या एडमिन का बंदा है बल्कि मेरे पास एक सी ई सब आए आपको पता है मेरे शोरूम में आते रहते हैं तो वो बड़ा यू नो सीईओ नहीं लग रहे थे तो अब मैंने लादमी ने ये तो नहीं कहना था कि देखिए आपने क्या किया तो मुझे सौ एक शुरू कहां से करना है तो मैंने ऐसे स्टेटमेंट दी मैंने कहा मैंने कहा सर वो सी को सी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए तो एकदम कहने लगे हाँ हाँ तो हंसने लगे तो मैंने कहा सर मैंने फेंड तो नहीं कर दिया आपको <laughs> कहने लगे नहीं नहीं एक्चुअली आपने बात फिर सही की लास्ट वीक यही मेरे साथ हुआ है मैं वो मेरा माकड़ी का बंदा जो सूट बोल था हम लोग इवेंट पे गए हैं तो उन्होंने समझा कि वो सीईओ है ओ <laughs> है और मैं जो हूँ वो एक स्पोर्ट्स राय हूँ तो मुझे कहने लगे आप पीछे बैठते हैं उसको आगे ला के उठाते सर दिस इज रियलिटी सही बल्कि मैं इसमें एक और स्टोरी अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगा कि मैं आपको पता है फ्रॉम अमेरिका और मैं ट्रेवल करता हूँ तो एक दिन ऐसे ही है आपको पता है कतर वगैरह में जहाँ भी जाए होम कंट्री में पहले वो प्लेन mm. जाता है तो वहाँ वो दोबारा चेक इन करना पड़ता है mm. क्योंकि के देर आउट बिलीव इन आर सिक्योरिटी सीजम अच्छा सर मैं दोबारा चेक इन हो रहा हूँ तो वी वर्थ थ्री हंड्रेड फिफ्टी पैसेंजर्स आई वॉज प्रॉबलीफ्टी गायन लाइन तो जूँ ही चेक इन शुरू हुई तो वो वाइट गर्ल थी वो अपना जो चेक इन करने वाली उसने ऐसे करके देखा ग्लैश से मुझे कहती इधर आ जाओ अच्छा सर हमें तो पता नहीं कोई बुलाया तो हम कहते हैं यहाँ पता नहीं क्या चेक कर तो मैंने कहा मैंने कहा मैम यू कॉल मी एम हियर तो कहने लगी वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास ओह तो मैंने कहा श्योर इफ इफ इज कॉम्प्लीमेंट्री तो कहने लगी इसीलिए बुलाया तो गिव मी योर कार्ड तो मैंने उसे बोर्डिंग कार्ड दिया उसने उस रिप करके मुझे फर्स्ट क्लास का बोर्डिंग कार्ड निकाल के दिया बात है? कहती नाउ यू कैन गो द लाइन मुझे पता था उसने मुझे क्यों किया लेकिन फिर भी मैंने पूछा चलिए इंटरेस्टिंग मैम वाई डिड यू सेलेक्ट मी देर आर थ्री हंड्रेड फिफ्टी पर्सन तो मुझे कहने लगी कि जवाब क्या आई सिलेक्टेड यू इज बिकॉज यू लुक वाह

सर आपसे कोई रबता कैसे कर सकता है देखिए हमारा तो हो गया हम कहते हैं खुदा ने मिला दिया और यह बड़ी आसानी होगी और मैंने हमेशा मेरे प्लेटफॉर्म ने कासिम अली शाह फाउंडेशन ने कोशिश की कि सर का जो मैसेज है और सर का जो विजडम है उसको शेयर किया जाए ये प्लेटफॉर्म सर का प्लेटफॉर्म है मेरे लिए बड़ा एक प्राइड का मोमेंट होता है सर का यहाँ पर आना सर ऐसा क्या किया जाए आपसे कोई रब्ता करना चाहता है क्या हम कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें कोई आपकी वेबसाइट है उसको टिकट चला दें आप खुद ही बताइए सर पहली बात तो यह है कि मेरा नंबर जो है काफ़ी नॉन है वो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं है। और जीरो थ्री टू टू टेट्रा थ्री जीरो थ्री फोर इजी नंबर है रिमेंबर करना जीरो थ्री आप स्क्रीन पे भी इसको देख सकते ठीक हैं ठीक सकते है। जीरो थ्री टू टू थ्री 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 जीरो थ्री फोर एक तो ये तरीका है दूसरा यह कि मैं फेसबुक पर डिजिटल पर बहुत मैं एक्टिव हूँ फेसबुक के लिंक्स हैं ये मेरे सारे इंस्टा के लिंक्स हैं लिंकटिन yeah, पे भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ माशा आप सर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बहुत शुक्रिया शाह जी मैं वो बात कहना चाहूँगा कि शाह को से जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिला चले मैंने तो जो जो के लिए किया किया वो तो शाह ने थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स लेकिन शाह ने जो मुझे uh, जो है वो इंस्पायर किया इन्होंने एक फ़िक्र मुझे कहा इन्होंने कहा खाली मेरी बात सुन के पाँच मिनट यू नो ही यू कैन प्रोसेस थिंग्स वेरी क्विकली तो इन्होंने मुझे कहा मैंने कहा सर मैं कैंपेन लेके आया हूँ मिशन लेके आया आयो पाकिस्तान में तो इन्होंने कहा कि हमेशा कैंपेन नहीं लेके आए आप एक मूवमेंट लेके आए तो सर आई रियली अप्रीशिएट दैट और उसको नहीं हमने मूवमेंट में ही कन्वर्ट हो गई है एंड मैसेज नाउ पाकिस्तान में कोने कोने में जा रहा है के पी से लेके सिंध के डीप सिंध तक एंड आई एम सो हम्बल सर बहुत शुक्रिया सर हमेशा साहब आपका बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा जी थैंक यू